हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जो एक वीडियो डाला था जहां पर जो है मैंने बताया था कि आप लोगों को अब जो है अपकमिंग अपडेट जो है अब जो है MIUI के अपडेटर ऐप्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि MIUI का अपडेटर ऐप्स जो है यहाँ पर रिप्लेस होने वाला है गूगल के तरफ से। मतलब गूगल का यहाँ पर जो आने वाला है न्यू, तो ये जो है रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर जो डायरेक्टली साफ साफ मेंशन किया था मैंने, जो आप लोगों को दिखाया था। फिर भी जो गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं तो यार अभी जो है शायद से दिखेगा या फिर पता नहीं, क्योंकि यार इसके साथ जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी फिलहाल ऑफ है, तो मैं भी जो इसके अंदर देखने को ना मिले तो चलो देख लेते यार शायद से देखने को मिल जाए। तो फिलहाल जो यहाँ पर अभी जो है देखने को नहीं मिल रहा है, तो नेट कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाने से अच्छा है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार वो जो फाइनली यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के साथ सीन हो चुका है, और फाइनली गाइज ग्लोबल के अंदर जो गाइज ये जो है देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro को न्यू अपडेट मिला है, जिसकी डाउनलोडिंग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा गूगल के अपडेटर ऐप्स के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर वर्जन की बात करें तो MIUI 12.5.3.0 का एक OTA अपडेट आया है, जिसकी साइज की बात करें तो 351 MB के आसपास इसकी साइज देखने को मिल जाती है। पूरा जो आप लोगों को चेंज लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन तो है, बट गाइज यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर जो कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ एडवांटेज भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करें तो गाइज काफी ऐसे Xiaomi के डिवाइसेस हैं जिनको यार सिक्योरिटी पैच का अपडेट जो है ठीक से सही समय पे देखने को नहीं मिलता, जो कि यार गूगल की तरफ से सब कुछ सौंपा गया है। मतलब यार आपको जो है यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है कि आपको जो है अपडेट जो है रेगुलरली टाइम के टाइम पे देखने को मिले। बट इसके अंदर यार डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर कोई भी आपको ज़्यादा यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप जो कोई भी फाइल डायरेक्टली रिकवरी या फिर OTA फाइल चूज अपडेट पैकेज से, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन है, और आप यहाँ पर जाकर डायरेक्टली चूज अपडेट पैकेज से जो आप अपने फोन में जो भी यार वर्जन फ्लैश करना चाहते उसे आप सिलेक्ट कर सकते थे। बट ये जो यार सिस्टम अब जो है आप लोगों को गूगल ऐप अपडेटर ऐप्स के अंदर जो है देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो है काफ़ी बेकार चीज़ है। और ये जो Redmi Note 8 Pro के साथ ग्लोबल के अंदर जो यहाँ पर जो लागू हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं, जहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं OTA अपडेट है, और ये जो है ग्लोबल के अंदर जो है देखने को मिला है। तो यार आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो इंडिया के अंदर भी अब जो लागू होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे डिवाइसेस है शायद से Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 9 Pro को जो ये देखने को मिला है अपडेटर सेक्शन के अंदर, जो वहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि अपडेट के अंदर जो है ये रिप्लेस होने वाला है। अब से जो आगे के अपडेट जो भी आएंगे वो जो आपको MIUI के बेसिस पे नहीं तो गूगल की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो ये जो यार यहाँ पर जो देख सकते हैं पहला अपडेट यहाँ पर पुश किया गया है Redmi Note 8 Pro के ग्लोबल यूजर्स के लिए जो, और गाइज ये मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि यार Xiaomi क्या करने वाला है पता नहीं, बट शायद से ये जो धीरे धीरे करके जो सभी फोन के ऊपर आ सकता है, जैसे कि गूगल डायलर की सिस्टम जो है यार देखने को मिली थी। क्योंकि यार प्रीवियस अपडेट के अंदर हमें पता है जब से हम Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर मी डायलर देखने को मिल जाता था, बट यार धीरे धीरे जो सभी फ़ोन के अंदर गूगल डायलर आते जा रहे हैं, तो वैसा ही सीन अगर यहाँ पर होता है तो यार यहाँ पर एक काफ़ी बुरी बात है। यहाँ पर अपडेट जो है हमें टाइम पे टाइम मिलती जाएंगी, बट यार इसके अंदर जो आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो चूज अपडेट पैकेज से फुल रॉम फ्लैश कर देते वो जो अब आप नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा या फिर आपको जो अपने फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करके फास्ट बूट रॉम को ही डालना पड़ेगा, या फिर रिकवरी से भी हो सकता है, बट इसके भी पूरे चांसेस नहीं है, जैसे Redmi Note 10 के साथ मेरे साथ हुआ है। मैंने यार प्रीवियस वीडियो डाली, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर मेरे साथ जो क्या सीन हुआ है मैंने सब कुछ जो एक्सप्लेन किया है। तो यार बस यही एक आप लोगों को न्यूज़ बतानी थी, जैसे कि ग्लोबल के अंदर ये अपडेट आया है गूगल डायलर के गूगल अपडेटर के अंदर, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर किया है। तो यार आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।